कैप्टन मिलर, सफर है एक फौजी से डाकू और डाकू से भगवान बनने तक का। तो आइए इस सफर का रिव्यू करें। कैप्टन मिलर एक एक्शन एडवेंचर एंड ड्रामा जॉनरे की मूवी है। मूवी में खून खराबा तो है पर कोई वल्गर सीन नहीं है, इसलिए ये मूवी फैमिली के साथ देखी जा सकती है। डायरेक्टर अरुण मत्थेश्वरन के डायरेक्शन में बनी लगभग 2.5 घंटे की ये मूवी आपको एक्शन और इमोशन का कॉम्बिनेशन दिखाकर सोच में डाल देती है कि क्या 90s का वो समय सच में ऐसा था या बस डायरेक्टर हमारे दिमाग से खेल रहा है। मेकर्स ने सिर्फ 50 करोड़ के बजट के साथ इस मूवी को 90s के ब्रिटिश रूल एरा में सेट किया है। मूवी के लीड रोल में हमें सुपरस्टार धनुष और शिवराज कुमार सर दिखाई दिए और अपनी एक्टिंग से हमें स्टन किया। भाई, धनुष सर की एक्टिंग तो एकदम टॉप क्लास है। एक्टिंग इतनी रियल है कि मानो सब कुछ उनके साथ सच में हो रहा हो। सभी सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी अपना 100% देकर मेन लीड एक्टर्स का बखूबी साथ दिया है। मूवी की पूरी स्टोरी कैप्टन मिलर उर्फ ईसा यानी धनुष के इर्द गिर्द घूमती है। मूवी 90s के ब्रिटिश एरा पे बेस्ड है। ईसा, जिसका सपना आर्मी में जाने का है, फिर वो एक डाकू कैसे और क्यों बनता है, इस सवाल का जवाब तो आपको मूवी देखकर ही मिल सकता है। मूवी में एक्टिंग और खून खराबा तो है ही, पर गोलीबारी इतनी है कि मानो पबजी खेल रहे हों। मूवी में जय भीम जैसे इमोशंस भी हैं और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा एक्शन भी। ब्रिटिश सरकार और राजाओं ने कैसे आम लोगों पर जो जुल्म किए और कैसे वो इन सबसे लड़े और क्या वो खुद को ब्रिटिश सरकार से बचा पाए। खैर, वो जो भी हो, आप तो बस पल पल एक्टर्स की परफॉर्मेंस का मज़ा लेना। मूवी का फर्स्ट हाफ तो बस इंट्रोडक्शन और प्लॉट सेट करने में निकल जाता है और सेकेंड हाफ ईसा के डाकू से भगवान बनने की कहानी में। मूवी का सेट और एक्टर्स का लुक 90s का है तो कुछ बंदों को वो बोरिंग लग सकता है और धनुष की बाकी फिल्मों की तरह फिल्म में कोई कॉमेडी सीन भी नहीं है। फिल्म बहुत ही सीरियस ग्राउंड्स पे बनी है तो हर किसी का इंटरेस्ट बनाए रखना मुश्किल है। सो इसी के साथ एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन, टाटा, पीस।